हुआ भाई? क्यों भैया, कुछ फील हो रहा है क्या? नहीं मतलब तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई गिरने का सवाल था? ऐसा नहीं लग रहा है कि भाभी जानबूझ के ही गिरी है? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैं बता रहा हूँ आपको कि जमाने में चल क्या रहा है। औरतों को किसी नए लौंडो को अपने बारे में फील कराना हो ना, अपनी बॉडी उसे किसी भी अंग पे टच कर दू, लौंडा जन्म जन्मान तक फील करेगा। और ये फिर कराने की चीज है ना, वो बढ़ती जा रही है। पहले लड़कियां जयमाला पे अपने आप को नोटिस कराने के लिए ना इस तरह का ड्रामा करती थी। वाह क्या सीन है। और आज लड़कियां एडवांस हो गई है, वो इस तरह का ड्रामा अब नहीं करती है, वो नेक्स्ट लेवल जा रही है। बरातियों को अंदर तक की चीजों को फिल कराना चाहती है। अब इसको दूल्हे का दोस्त देखेगा तो क्या कहेगा? क्या माल है यार? अबे माल नहीं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। साला एक टाइम था जब जयमाला पे लड़कियों का मजा लौंडे लेते थे, और आज लड़कियां ले रही है। एक टाइम था जब लड़कियां परेशान हो जाती थी, जयमाल नहीं डाल पाती, और आज साला लड़के नहीं डाल पा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ भाई साहब। आजकल की लड़कियाँ इतनी मॉडल हो गई है कि वो फिल्मों की चीजें रियल लाइफ में उतार रही है, और हमारे लौंडे उसको लड़कियाँ बोल रही है कि वो अक्षय कुमार वाला पोज करे, और वो साला उसको लेके गिर पड़ता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। लड़कियाँ इतनी ज्यादा समझदार हो गई है कि उसको पता है कि लहंगा चुन्नी पहनने के बाद उसका क्या होगा। लहंगा तो पहन लिया, बस उतारने वाला चाहिए। वही हमारे लौंडे, ये साले लजा रहे। साला इनको इतनी तक तमीज नहीं है कि कोई आरती लेके बारात में आ रहा है तो उसको आरती लेना है या बुझाना है। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, एक टाइम था जब लौंडे कच्चे में घूमते थे, अगर कोई लड़की उसको देख लेती थी तो उसको शर्म फील होता था, बेइज्जती फील होती थी। अच्छा, लेकिन आज समय वो आ गया है कि लड़कियां स्वयं सोचती है कि वो शादी तक कच्चे में ही रहे। साले मजाक बना कर यहाँ साला इंस्टाग्राम रील्स आने के बाद भी लौंडे हमारे कैमरा तक फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लौंडे तो अपनी जिंदगी में इतने फूके हुए हैं, इतने बेरोजगार है कि उसको बीबी के खुश करने के लिए उसको कुछ नहीं आ रहा है, तभी तमंगली दिखाया जा रहा है। ये दुखित लाचार निसहाय अंदर से मरे हुए प्राणी की निशानी है जो अपनी बीबी को खुश करने के लिए साला अपने आप को ताकतवर समझ रहा है, हाथ पैर पटक रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इतना लो कॉन्फिडेंस आ गया है क्या लौंडों में? साला पहली बार देख रहा हूँ जो ऐसे हाथ पर पटक रहा है। और ये लो कॉन्फिडेंस उन लौंडों में देख रहा हूँ जो साला दो दो रुपए के लिए ऑटो वाला से लड़ जाते हैं। साला काम नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा वे? और जॉब करने वाले अपने बीबी के सामने हाथ पर नहीं पटकते, वो ऐसे डांस करते हैं। और ऐसे डांस तभी निकलता है जब लौंडे घाट घाट का पानी पिया हो। तुम्हारे जैसा नहीं। और वो रो भी क्या जो तुमको जमाने के लिए हाथ पैर पटकना पड़े? रो वो होता है जो बिना जमाए हुए जम जाए। एग्जांपल देखना है तो देखो, जब तुम्हारे पास पैसा होता है ना तो तुम्हारे सामने वाला बंदा तुम्हें ऐसा इंटरेस्ट लेगा ना जैसे कि तुम हुस्न की परी हो। हुस्न परी तुम जाने जहां। ये जो इंटरेस्ट है ना भाभी का, मैं बता रहा हूँ तुम जैसे नल्ले बेरोजगार छपरी लौंडों में तो नहीं आएगा ना। और आजकल मैं ज्यादा देख रहा हूँ अगर कोई गोरी लड़की किसी सांवले लड़के से शादी कर रही है तो ये लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी का कमाल है, साला ये लोग लड़कियां का जीना हराम कर दिया है। जब
जब लड़की गोरे लड़कों को भाव दे रही है तो साला उसमें बहुत एटीट्यूड है। अच्छा। और जब लड़की हम जैसे लौंडो को बोल रही है तो कमेंट करता है कि चुतिया टाइप के लड़कों से सेट हो रही है। ये समरिया। और जब वो लड़की रंग रूप को भुला के किसी सावले लड़के से शादी कर रही है तब भी साला इसे गांड में कीड़ा काट रहा है। और साला अपनी जगह नहीं देखेंगे, हर जगह लजाते फिरते रहते हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दिया करो, घंटा वंटा दबा दिया करो। अगर इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करो जल्दी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.